दोस्तों मुझे लगता है 2023 जो है ना इट बिलोंग्स टू वन प्लस. जी हाँ, लेट्स गेट द डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी आउट ऑफ द वे. अगर आप देखोगे ना पीछे से लोग पहचानेंगे नहीं, बता नहीं पाएंगे कि वेदर इट इज नॉर्ड 3 और नॉर्ड CE3. जी, प्लास्टिक बैक है, उसकी वजह से लाइट हो जाता है. इसका डिस्प्ले जबरदस्त है. अगर आप आगे से देखोगे दोस्तों, जी हाँ, इसके जो साइड के बेजल से ऊपर के बेजल से स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है बहुत ही अच्छा है. इनफैक्ट डिस्प्ले इज वन ऑफ द बिगेस्ट हाईलाइट ऑफ दिस. 82G का जो परफॉर्मेंस है दोस्तों, याद रखिए, एक तो आपको 12GB रैम 256GB स्टोरेज जो है ये आपको अंडर 30,000 में मिल रहा है. यस, एंड इसमें UFS 3.1 स्टोरेज है, तो इसके जो रीड राइट स्पीड्स है सही में अच्छे हैं, स्नैपी लगता है. अगर आप बैटरी के मामले में बात करोगे, 5000 mAh की बैटरी है और मुझे कम से कम 7-8 घंटे का SOT मिला. बैटरी थोड़ी कम हो गई, चार्ज कर दीजिए. जी आप 15 मिनट चार्ज कीजिए, पूरे दिन की बैटरी लाइफ मिल जाएगी. जो ऑक्सीजन OS 13.1 है, बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 13, वेरी क्लीन, बग फ्री मैं कहूंगा, बिल्कुल भी बग्स वगैरह कहीं. बट ओवरऑल 120Hz AMOLED डिस्प्ले जो है बहुत ही जबरदस्त है. कलर्स वगैरह जो है आपको बहुत अच्छे दिखते हैं. एंड डॉल्बी एटमॉस ट्यून्ड आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं जो हाई रेज ऑडियो को भी सपोर्ट करते हैं. एंड आई टेल यू व्हाट, मल्टीमीडिया कंजम्पशन OnePlus Nord CE3 पे इज अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस, मजा आता है आपको. सो दोस्तों, इसका जो कैमरा है, एंड एक स्टैंड आउट चीज है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, उससे भी अच्छे इसके सेल्फी फोटोज निकले. इसमें जो प्राइमरी सेंसर है वो सोनी का IMX890 सेंसर आता है. अब सोचिए दोस्तों, Nord 3 जो इससे कम 7-8 हज़ार से ज्यादा है उसमें भी वही आता है. उतना ही नहीं, OnePlus 11 और OnePlus 11R जो है उसमें भी IMX890 आता है. बट हाँ, जो इसका प्रोसेसर है उसका ISP अलग है, तो जो आउटपुट निकलता है वो थोड़ा अलग है ऑब्वियसली, बिकॉज ISP इज डिफरेंट. 8 Gen 2 का अलग होगा, इसका अलग होगा, सो दैट इज डिफरेंट. बट स्टिल सोनी का सेंसर है और उसका आउटपुट दिखता है. आपको 4K वीडियोग्राफी का सपोर्ट मिलता है. सिर्फ इतना ही है कि इसमें OIS नहीं है. जो ज्यादा महंगे हैं उनमें, मतलब Nord 3 या फिर ऊपर देखोगे तो उसमें OIS मिलता है, इसके अंदर नहीं है. इवन सेकेंडरी अल्ट्रा वाइड सेंसर भी मिलता है आजकल, इवन यू नो वो भी निकालने लग गए. वो भी सोनी का ही IMX355 सेंसर है, एंड देन 2 MP का मैक्रो सेंसर है. इधर मैं आपको कहना चाहूंगा कि रेयर कैमरा में कलर कंसिस्टेंसी में हिट और मिस है. कभी कभी अच्छे आते हैं, कभी कभी आपको कलर शिफ्ट वगैरह नजर आता है, जो एक्चुअल कलर से वो नहीं दिखते, तो वो जो चीज है वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी. और एक बात दोस्तों, लो लाइट में OIS नहीं होने की वजह से थोड़ा डेफिनेटली कैमरा, रेयर कैमरा जो है वो स्ट्रगल कर विद इट. और भी कुछ आपको ऐड करना है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए.